Watch Shraddha Kapoor and Siddharth Malhotra talk about the forthcoming romantic thriller Ek Villain in an interview here. Directed by Mohit Suri, the film also stars Ritesh Deshmukh and is set to release June 27. The actors confess that the audience have never seen the film's entire cast doing such roles earlier. फिल्म द अपकमिंग फिल्म जो आने वाला है आपका, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो हमारी फिल्म जो है एक विलन, बहुत टाइम के बाद यू विल बी एबल टू सी कि आप फिल्मों में हीरोज़ को देखते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद जो हमारे फिल्म के लीड कैरेक्टर्स हैं वो विलन्स हैं, उनमें ग्रे शेड्स है और जो गुरु है और आयशा है उनकी लव स्टोरी कैसे व्हाट डू यू से How does it कैसे उभर के आती है? I think एक नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर्स इतने करेक्ट है, इतने वाइट एंड ब्लैक नहीं है, they're ग्रे कैरेक्टर्स, तो ये अग्रेसिव कैरेक्टर है मेरा जो है। तो कैसे वो अग्रेसिव कैरेक्टर फॉल्स इन लव एंड हाउ ही वुड इवन प्रपोज टू समबडी और शो हिज वे ऑफ लव, तो आई थिंक काफ़ी नई चीज़ें इस पिक्चर में। हम सब ने ऐसे कभी कैरेक्टर्स नहीं प्ले करे, मैंने नहीं कभी प्ले किया, श्रद्धा ने की पुरानी पिछली पिक्चर में एकदम अलग कैरेक्टर था, तो आई थिंक और ऊपर से थ्रिल एंगल भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन एंड देयर इज मोहित सूरी सॉन्ग्स एंड रोमांस, तो आफ्टर अ व्हाइल यू आर सीइंग अ थ्रिलिंग लव स्टोरी। वी आर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत ही खुश है क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक रोमांटिक थ्रिलर लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत टाइम के बाद लोगों को देखने को मिलेगा कि हाउ इट्स सो गुड टू बी बैड एंड 27 जून जो है वैलेंटाइन्स डे हम मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट इट्स गुड टू बी बैड एंड वी होप दैट पीपल सेलिब्रेट विद अस। आईएएनएस रिपोर्ट।